मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया और लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्किल। देखिए, वैसा बिंदु पथ यानी लोकस जिससे जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। या देखिए, एक स्थिर बिंदु है और इसके चारों तरफ एक बिंदु पथ है और इस स्थिर बिंदु से यहाँ के बिंदु पथ की दूरी जितनी रहेगी वही दूरी यहाँ से इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, चारों तरफ समान दूरी रहेगी। अर्थात एक स्थिर बिंदु को चारों तरफ से घेरने वाला बिंदु पथ या चारों तरफ से घेरने वाला वक्र रेखा वृत्त कहलाता है। शर्त एक रहता है कि स्थिर बिंदु से उस बिंदु पथ की दूरी सभी जगह समान रहेगी। या देखिए, स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। यह स्थिर जो बिंदु है यह इस वृत्त का केंद्र है। केंद्र मतलब सेंटर, इसको सी से सूचित करते हैं। अब देखिए, अचल दूरी यानी कांस्टेंट डिस्टेंस वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से ये जो स्थिर बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु पथ की दूरी जो होगी वही दूरी यहाँ भी, वही दूरी यहाँ भी, वही दूरी यहाँ भी, सभी जगह बिंदु पथ से केंद्र की दूरी समान होगी और उस दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। रेडियस मतलब आर से सूचित किया जाता है। वह निश्चित दूरी होता है, बदलता नहीं है, सभी जगह समान रहता है, त्रिज्या कहते हैं उसको। अब देखिए, बिंदु पथ को परिधि कहा जाता है। यह जो बिंदु पथ है इसको परिधि कहते हैं, इसको वृत्त की परिमाप या परिधि कहा जाता है। अब देखिए, व्यास के बारे में पढ़ते हैं। व्यास मतलब डायमीटर। केंद्र से गुजरने वाले रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे या परिधि के बिंदु को मिलाए व्यास कहलाता है। देखिए, यहाँ पे यह परिधि के एक बिंदु से चलकर केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु तक जा रहा है, यह व्यास कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखा को व्यास कहते हैं और यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए, आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर, मतलब वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांटता है तो उसको व्यास कहा जाता है। और देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं, उसको डी से सूचित, यानी डायमीटर को डी से सूचित किया जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर, मतलब आर प्लस आर बराबर डी होता है। जैसे देखिए, आर आर प्लस आर बराबर डी, मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर व्यास, तो ये 2R हो जाएगा बराबर डी, और आर बराबर डी बटे 2, ये 2 इधर आ जाएगा। तो व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वृत्त की परिधि की लंबाई व्यास की लंबाई का 3 × 1/7 यानी 22/7 या 3.1428571 गुनी अधिक होती है। इसे पाई ग्रीक अक्षर द्वारा ऐसे सूचित किया जाता है। देखिए, यह जो व्यास है इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई का 22/7 गुना अधिक ये होगा, ये परिधि, ये बिंदु बिंदु पथ की लंबाई व्यास की लंबाई के 22/7 गुना होगा। अब देखिए, व्यास हो गया डी और 22/7 गुना इससे अधिक करना है, तो डी के बदला हम 2R भी लिख सकते हैं और ये पाई का मान है तो पाई लिख दिए, अर्थात 2πr, 2πr बराबर वृत्त की परिधि। इसी तरह से सूत्र प्राप्त होता है। अब देखिए, चाप किसे कहते हैं। चाप माने कॉर्ड। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को चाप कहा जाता है। ये देखिए, वृत्त है और ये परिधि के एक बिंदु यहाँ ए है, ये बी है, इस दोनों को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींचते हैं, यही सीधी रेखा क्या हुआ, चाप हुआ, ए बी यहाँ चाप हुआ। अब देखिए, वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 × त्रिज्या। व्यास को डी से सूचित करते हैं तो 2 × त्रिज्या, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या 5 है तो व्यास निकलना है तो 2 × 5 = 10 मीटर इसका व्यास हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो 2R 2 × π का मान 22/7, R का मान है 5, तो 44 और 5 गुणा करिए 220/7। आप परिधि का दूसरा भी सूत्र पाई डी, मत क्योंकि डी बराबर 2R होता है, तो पाई का मान 22/7, डी का मान है 10, 10 गुणा करिएगा उतना ही आएगा। उसके बाद पढ़िए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखिए,
ये मान लीजिए अर्धवृत्त है, यहां से लेके यहां आर हुआ, यहां से लेके यहां आर, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आधार गुणे ऊंचाई मतलब आर गुणे आर, आर स्क्वायर हो गया, और पाई इसका ये पाई हो गया, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। अब देख लीजिए यहां पे एग्जांपल, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 7, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 है, आर आर 7 दिया है, तो 7 × 7 एक 7 से 7 कट गया, 22 में 7 से गुणा कर गया, 154 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आपको त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया है, 154/पाई, तो 154/22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 154×7/22, तो ये देखिए काट दीजिए, काटने के बाद √49 आया, 49 का वर्गमूल 7, तो 7 मीटर इसका क्या आ गया, त्रिज्या, त्रिज्या 7 मीटर आ गया इस सूत्र से। अब अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र होता है पाई प्लस 2 × त्रिज्या, या पाई प्लस 2 × आर के बदला d/2 लिख सकते हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं, 1/2 πr², इसको देखिए और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 π तो लिखेंगे, आर के बदला क्या लिख देंगे, d/2 का होल स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/π और d² है, ये हो जाएगा 4, तो 4 × 2 = 8, 1/8 π, ये d² हो गया, ये भी सूत्र हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यदि यहाँ पे 7 मीटर त्रिज्या दिया है अर्धवृत्त का, तो इसका हमको निकालना है परिमिति, तो परिमिति का सूत्र है पाई प्लस 2 × त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 दिया तो 7 कर दिए, तो ये 7 π हो गया प्लस 14, तो 7 π मतलब 7×22/7 14, तो 7 से 7 कट गया, और 22 और 14 जोड़िएगा तो 36 मीटर इसका परिमाप या परिधि आ गया, परिमिति आ गया। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब इस पर बैठा लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 πr², तो 1/2 और पाई का मान 22/7, आर है कितना 7, तो 7×7 7 से 7 कट गया, और 2 से 11 बार में, तो 1177 मीटर² आ गया। इस सूत्र पे भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। उसके बाद देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या के द्वारा वृत्त को खंड खंड में बांटना त्रिज्य खंड कहलाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है त्रिज्य खंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 360 × π × त्रिज्या का होल स्क्वायर, या त्रिज्य खंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 360 × वृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिज्य खंड है, मान लीजिए 7 मीटर त्रिज्या है, ये भी सात है, और कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ये त्रिज्य खंड का कोण है, ये थीटा का मान, तो थीटा की जगह 60 रखिए, 60/360 × पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7×7, तो 1/7 से 1/7 कट गया, और देखिए ये 6 बार में कटा, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 11 = 22, तो 1177/3 मतलब 25.66 मीटर² इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। अब पढ़ेंगे त्रिज्य खंड की परिमिति या परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 + π × त्रिज्य खंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 180 × त्रिज्या। अब देख लीजिए परिमिति, मान लीजिए एक वृत्त है, इसका त्रिज्या है 7 और कोण बनाया है 90 डिग्री, तो अब आपको परिमिति निकालना है, तो 2 + π का मान 22/7 / ये 90 डिग्री बना रहा है, थीटा की जगह 90 लिखिए, बटे 180 / त्रिज्या है 7। अब देखिए इसको कटाइए, ये 90 से 2 बार में कट गया और 2 से 11 बार में कट गया, तो ये 2 + 11/7 / ये त्रिज्या 7 है, तो 7 से गुणा करिए तो 14 हो जाएगा, प्लस इसमें 7 से गुणा करिए तो 7 7 कट जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा, तो 14 11 जोड़िएगा तो 25 मीटर इसका परिमिति या परिमाप आ गया इस त्रिज्य खंड का। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई गुणे वृत्त खंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 360 घटाओ 1/2 sin θ, यह है वृत्त खंड द्वारा बनाया गया कोण गुणे त्रिज्या का होल स्क्वायर। देखिए एक वृत्त है, यह त्रिज्या इसकी 7 है और ये वृत्त खंड का कोण है 90 डिग्री, तो इस सूत्र पर रख लीजिए, थीटा की जगह 90 रखिए, तो पाई का 22/7 / ये 90/360 घटाओ 1/2 और साइन यहाँ पर 90 लिख देंगे / ये 7×7, तो अब देखिए ये 9 से 4 बार में कट गया, तो ये 2 × 4 / 2 = 22, तो
ऊपर हो गया 11, नीचे हो गया 7 × 2 = 14, घटाव 1/2, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 हो गया ये, और ये 749। अब देखिए ये लघुत्तम कितना हो गया 14, तो 11 घटाव यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 हो गया ये, और गुणे ये 49, तो 14 से देखिए 7 से 7 × 2 = 14 और 749, यहाँ पे बच गए 4, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 4 और 7 × 2 = 14, 14 मीटर क्या आ गया इसका, 14 मीटर स्क्वायर इसका आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तखंड की चाप की लंबाई जिसको L से सूचित करते हैं, L माने लेंथ हो गया। देखिए इसका सूत्र है वृत्तखंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 360 गुणे वृत्त की परिधि, मतलब 2πr। अब देखिए एक वृत्तखंड है जिसका कोण है 60 डिग्री और त्रिज्या है 7 7, तो ये लंबाई हमको निकालना है, ये चाप की लंबाई L इसको कहते हैं। तो चाप की लंबाई अब थीटा की जगह 60 रखिए, 60/360 गुणे 2 × 22/7 और त्रिज्या है 7, तो 7 से 7 कट गया और ये 6 बार में कटा, तो 2 × 3 = 6। अब देखिए ऊपर बच गया 22 और नीचे हो गया 3, मतलब 7.33 मीटर इसका क्या आ गया चाप की लंबाई, L का मान 7.33 मीटर आ गया। अब देखिए वृत्तखंड की परिमिति, तो वृत्तखंड की परिमिति का सूत्र होता है चाप की लंबाई प्लस पाई गुणे त्रिज्या गुणे वृत्तखंड द्वारा बनाया गया कोण बटे 180। अब देखिए अब इसी वृत्तखंड की परिमिति निकालना है, तो चाप की लंबाई तो 7.33 आया, तो 7.33 एल के जगह रख दें, प्लस ये 22/7 गुणे त्रिज्या है 7 और गुणे ये 60 डिग्री का कोण है 60/180। अब काट दीजिए, ये 3 बार में कट गया 60 से, अब ये 7 से 7 कट गया, अब ये बच गया 7.33 है ये, प्लस ये 22/3 बच गया, तो ये भी 7.33 और ये भी मान आएगा 7.33 ये भी आया, इसका मान भी 7.33, तो जोड़ेंगे तो 14.66 मीटर इसका क्या आ गया वृत्तखंड की परिमिति, इसकी परिमिति आ गया 14.66। अब देखिए सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ देखिए दो वृत्त दिया है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र एक है, तो इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और बीच वाला का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसके लिए सूत्र है पाई गुणे बड़े वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर घटाव छोटे वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर। देखिए बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पाई का मान 22/7 और बड़े वृत्त का है मान लीजिए 14 दिया है, 14, तो 14 × 14 घटाव छोटे वृत्त का 7 दिया है, तो 7 × 7 तो 22/7 और ये होगा 196 घटाव 49, तो घटाइएगा तो 147 आएगा, 147 में 22 से गुणा करिएगा तो 32 × 34 आएगा बटे 7, भाग दीजिएगा तो 462 मीटर स्क्वायर इसका ये बीच वाला का क्षेत्रफल आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, आप सबों का दिन मंगलमय हो।